माशाल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं बीफ रेशा कबाब हमारे माशाल्लाह दोनों तरफ से हो चुके हैं क्रिस्पी। और अब मैं निकाल लूँगी आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार बीफ रेशा कबाब। बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वन के जी लेंगे हम बीफ, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बोलियाँ हैं, बोलियाँ हैं मैंने 3 से 4 बार ये बीफ रेशा कबाब। अगर आपने एक बार बना लिए तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा इनकी फरमाइश होगी, कभी भी आप दूसरे कबाब बनाने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बीफ का कमाल नहीं है, ये है मसालों का कमाल जो हमने घर के साबुत मसाले लिए हैं। गोल मिर्च 4 टेबल स्पून, ज़ीरा और ये छोटे छोटे से बादियान के फूल, ये 2 काली इलायची, दालचीनी का टुकड़ा छोटी छोटी, गोली इलायची, 2-3 तेज़पत्ता, 4 जावित्री और 4-5 लौंग, काली मिर्च 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सारे मसाले हमारे फ्रेश होंगे तो आप सोचें कितना मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये है अदरक लहसुन, इसके आप कलर से ही पता चला होगा कि कितना फ्रेश है ये। ये मैं 3 से 4 टेबल स्पून फिर भर भर कर डालूँगी। और नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून। और अब हम आते हैं पानी की तरफ, 1 से 1.5 किलो पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख देंगे। बीफ को वैसे तो हम कुकर में भी गला सकते हैं, मगर कुकर में बन जाता है इसका बिल्कुल नरम मुलायम हलवा नुमा, रेशे ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम कढ़ाई में उबालेंगे ताकि इसके रेशे शाही हमें लंबे लंबे और बरकरार रहें। ढककर पकने के लिए रखेंगे, उबाल आने तक फुल फ्लेम, उसके बाद मीडियम टू लो ताकि जल्दी गले। 2.5 घंटे हो चुके हैं, खोल कर देखती हूँ। माशाल्लाह पानी हो चुका है ड्राई और माशाल्लाह बीफ भी हमारा अच्छे से गल चुका है, कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। और फुल आँच करके अब इसका पानी ड्राई कर लूँगी मैं। पानी हो चुका है ड्राई, अब जो ज़ाया होने वाले मसाले हैं यानी कि गोरी इलायची, काली इलायची और दालचीनी, ये मैं निकाल कर फेंक दूँगी। बीफ हमारा माशाल्लाह हो चुका है ठंडा, आप इसे मैश भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हैं, मगर उस तरह से रेशेदार नहीं बनेंगे हमारे कबाब। मैं इस तरह बारीक बारीक रेशे निकाल लूँगी, फिर हमारे कबाब बनेंगे बड़े बड़े रेशे वाले। और इधर मैंने चने की दाल उबलने के लिए रख दिए, बल्कि उबल चुकी है, इसमें मैंने डाल दिए हैं बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पत्ता। आप इस दाल को गोश्त में भी उबाल सकते हैं यानी कि गला सकते हैं, मगर मैं इसका पानी निकाल कर फेंक दूंगी, इसलिए मैंने अलग से उबाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दाल उबालने से बादी निकल जाती है। दाल हमारी माशाल्लाह गल चुकी है हाथ के इशारे से, बिल्कुल नरम मुलायम। अब इसे मैं कूट लूँगी या मैशर की मदद से मैश कर लें, या सिल भट्टे पर या कुंडी मूसल में पीस लें इसको अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम वो मसाले लेंगे जो पीसे हुए हैं, ये लंबा लंबा हमारा रेशा माशाल्लाह 3-3, 2.5 इंच का। और अब आते हैं हम पिसे हुए मसालों की तरफ, ये भी हमारे घर के ही पिसे हुए मसाले हैं, कोई भी बाजार का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबल स्पून हल्दी और फूल भरकर, 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा हम लेंगे 2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, फुल भरकर 1 मुट्ठा हरा धनिया और 3-4 मैंने हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की है। 3 से 4 टेबल स्पून मैं डालूंगी ऑयल, आप घी या मक्खन भी दे सकते हैं। 2 अंडे डालेंगे हम, ये अंडे हो गए हमारे। इन मसालों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और उधर मैं दाल मैश कर लूंगी। और ये 4 टेबल स्पून साबुत धनिया कबाब की जान, इस तरह से हाथ की मदद से इनके कर लेंगे हम 2 पीस। बहुत ही मज़ेदार लगता है जब मुंह में आता है कबाब में धनिया, कबाब में हटी नहीं कबाब में धनिया। दाल को मैंने बीफ के बचे हुए मसालों में डाल दिया था और अब माशाल्लाह और भी मुलायम हो चुकी है ये, अच्छी तरह से करेंगे मैश। दाल में दाना नहीं रहना चाहिए वरना हमारे कबाब टूट जाएंगे। दाल आपने गर्म गर्म ही मैश करनी है, ठंडी होने के बाद ये और सख्त हो जाएगी। अच्छा जी, 1 केजी बीफ, 1 केजी चने की दाल और 1/2 केजी लिए हैं मैंने आलू, ये ऑप्शनल है। अगर आपने टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ाना है और लच्छे बहुत ज़्यादा बढ़ाने हैं तो फिर आप आलू ज़रूर लें, इसका मज़ा बहुत ही मज़ेदार आएगा इंशाल्लाह ताला। कद्दूकश करके मैंने अच्छी तरह से धो लिया है 3 से 4 बार, अब इस तरह से इनका सारा पानी निकाल देंगे और बीफ में मिक्स कर लूँगी। मसाले तो हमने मिक्स कर लिए हैं, दाल और आलू मिक्स करने के बाद दोबारा से टेस्ट करेंगे ताकि मसाले कम रहना है। अभी हमारी दाल मिक्स हो रही है तो पहले मैं आलू मिक्स कर लूँ वरना ये हो जाएंगे ब्लैक, थोड़ी देर भी अगर मसाले के बगैर रख दिए ना मैंने तो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए पहले आलू को मिक्स कर लेते हैं जब तक हमारी दाल मैश हो जाएगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दाल को हमने बहुत ही नरम मुलायम पीस लिया है। और अब मैं कर लूँगी कीमा और आलू मिक्स, इसमें
अच्छी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अब हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। इसको तो मिक्स आपको देंगे हम टिक्के का टेस्ट और खुशबू। ये कोयला मैंने जलाया है, अब मैं डाल दूंगी इस पे ऑयल और अब उठा लेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू। कबाब टिक्का हमारा माशाल्लाह खुशबूदार हो चुका है। अब बनाएंगे हम इसके कबाब, कोई भी शेप दें आप, कोला कबाब या फिर चपली कबाब। और अब टाइम आ चुका है कबाब बनाने का। थैली पर थोड़ा सा लगा लेंगे ऑयल ताकि चिपके ना, और कबाब आप अपनी मर्जी से बड़े या छोटे बना सकते हैं। इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे हम और गुलाई का शेप देंगे। कबाब हमारा माशाल्लाह रेडी है, इस तरह सारे बना लेंगे। कबाब बनकर रेडी है, अब मैं पैन रख कर लिया है मैंने। ऑयल डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे हम, बस नॉर्मल सा लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा कबाब रख लेंगे। ऑयल हो चुका है गर्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ऑयल में रखने के बाद आगे कर देंगे और ऑयल में दूसरे डालते जाएंगे और फ्लेम हमारा रखेंगे मीडियम टू लो। मीडियम टू लो पर दो मिनट हो चुके हैं पकते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पलट लूँगी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे रेशा कबाब में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आ चुका है फाइनल लुक हमारे बीफ रेशा कबाब का। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार कलरफुल हमारे ये बनकर रेडी हैं। और अब मैं निकाल लूँगी और इसी तरह हम सारे बना लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हमारा बीफ रेशा कबाब रेडी है। अब मैं आपको रेशे दिखाती हूँ। आज की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फटाफट किचन में जाएँ और मज़ेदार बीफ रेशा कबाब बना कर दिखाएँ, अपनी फैमिली को खुश करें।